मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुविधाजनक मीडिया वो था यूट्यूब, जो लोगों की हर मुश्किल का हल देने लगा, यहाँ सबको अपना जीवन सफल लगने लगा। मम्मी को चाहिए पनीर की सब्जी कैसे बने, पापा को जानना है कि स्टॉक में पैसे लगाए, बच्चों को चाहिए कोई तो कार्टून चैनल लगाए, यंगस्टर्स का गोल है पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए, पैसे कैसे कमाए। यहाँ तक तो सब सही था, मगर लोग इतने निर्भर हो गए यूट्यूब पे कि हर तरह की चीजों पे इन्फ्लुएंस होने लगे। I mean to say, from so called influencers। पापा कहते हैं तुम्हारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। ऐसा काम कर
करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कैसे है बड़ा नाम करेगा। जनरेशन चेंज तो होना ही है, मगर किसने कहा हमारी जिंदगी बेरंग है और इसे फिल्टर्स की जरूरत है। रंग बदलते बदलते स्नैपचैट ने इंसान ही बदल दिया। फिर आया इन सब का बाप टिकटॉक। इस ऐप का